मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद गोरखपुर में प्रथम आगमन पर नागरिकों के द्वारा 19 चौराहों पर फूल मालाओं से भव्य स्वागत किया गया। आपको बता दें कि राम मंदिर बनाने में गोरक्षपीठ की अहम भूमिका रही है। गोरक्षपीठाधीश्वर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गुरु ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ राम मंदिर आंदोलन के अध्यक्ष थे। उनके नेतृत्व में राम मंदिर की लड़ाई लड़ी गई थी। उनके ब्रह्मलीन होने के बाद यह लड़ाई गोरक्षपीठाधीश्वर और वर्तमान में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में लड़ी जा रही थी। जब राम मंदिर की 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा प्रधानमंत्री के द्वारा कर दी गई, तब से पूरा गोरखपुर बहुत खुश है। जिसको देखते हुए गोरक्षपीठाधीश्वर व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जनपद में प्रथम आगमन पर 19 जगहों पर फूल मालाओं से भव्य स्वागत किया गया। मुख्यमंत्री का काफिला एयरपोर्ट से निकलकर जब नंदा नगर पहुंचा तो सैकड़ों नागरिकों के द्वारा पुष्प वर्षा कर मुख्यमंत्री का स्वागत किया गया और जय श्री राम के नारे लगाए गए, जिस पर मुख्यमंत्री ने अपना हाथ हिलाकर नागरिकों को अभिवादन स्वीकार किया। अपने प्रदेश के मुखिया का स्वागत करके सभी नागरिक बहुत खुश नजर आए। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए झरना टोला वार्ड के पार्षद प्रतिनिधि रामनाथ निषाद ने कहा, कार्यक्रम तो पूरा विश्व जानता है। आज पूरे विश्व को मालूम है कि प्रभु श्री राम हमारे अयोध्या में विराजमान हो चुके हैं। 500 सालों से हम लोग इंतजार कर रहे थे इस दिन का, और आज प्रभु श्री राम हमारे अयोध्या में विराजमान हो गए हैं। आज मानो कि राम राज्य आ गया है। हमारे इस राम राज्य को स्थापित करने के लिए हमारे सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाराज जी और देश के प्रधानमंत्री मोदी जी का अहम भूमिका रही है। हम सभी देशवासी योगी जी और मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने आज हमारे पूरे भारत में राम राज्य स्थापित किया है। आज योगी जी महाराज जी, हमारे सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाराज जी प्रथम अयोध्या में जब रामलला जी आए हैं, उसके बाद प्रथम उनकी आगमन हो रही है। उन्हीं के स्वागत के लिए हमारे ग्रामवासी, हमारे पूरे गोरखपुर के लोग अपने पलकों को बिछा करके प्रभु श्री राम की तरह योगी आदित्यनाथ महाराज जी का स्वागत करने के लिए जगह जगह पर नृत्य कर रहे हैं और उनके स्वागत में फूलों को बिछा करके नर नारी सभी लोग उनका स्वागत करने के लिए आतुर हैं। जय जय श्री राम। रामनाथ निषाद, पार्षद प्रतिनिधि, वार्ड नंबर 18, झरना टोला, कूड़ाघाट, गोरखपुर।